ये नए भारत की आज तस्वीर देखने को मिल रही है। कंपनियों के सीईओ एमडी संजीव कुमार जी, सब लीडर्स अचीवर्स, और जो हजारों की संख्या में मेरी बहनें यहां पर आई हैं, जो स्वयं आत्मनिर्भर है और दूसरे को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है, ऐसी सभी बहनों को मेरा नमस्कार है। जब मुझे कहा गया कि 8 तारीख का इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो क्यों होली की वजह से हम 1 तारीख को मनाएंगे और आपको तालकटोरा स्टेडियम में आना है, तो मैं सोच रही थी कि हर साल विमेंस डे बनाते हैं, क्या खोया और क्या पाया इसका हम लेखा जोखा करते हैं, और हमको क्या जीवन में करना है इसके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन जब मैं इस प्रमाइसिस के अंदर आई तो मुझे यह लगा कि जितना कुछ हम सोच रहे थे वो सब छोड़ दीजिए, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने घर के बाहर निकल करके समाज में काम करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके परिवार का और समाज का काम करने का काम किया है। आप जिस कंपनी से जुड़े हैं उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिए होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपको जोड़ा होगा, प्रोडक्ट्स तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपका जो डेडिकेशन है, इस मंच पर मैंने 2 महिलाओं को जिनको डायमंड वाला अवार्ड मिला है उनको सुना है, और दोनों ने एक ही बात बताई कि जीवन के अंदर नितंत संघर्ष है, और जीवन ही नाम संघर्ष का है। हर दिन जब नया सूरज उगता है तो उस दिन में कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से पार पा करके जब हम आत्मविश्वास के साथ में खड़े होते हैं और काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ये सुखद परिणाम निकल के आते हैं कि हजारों बहनें अपने परिवार और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए यहां पर समर्पित दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने अपने जीवन के अंदर 3-4 बातों को प्रमुखता से स्वीकार किया होगा, तभी आज आप यहां पर पहुंची हैं। एक महिला को परिवार भी देखना है, एक महिला को समाज के अंदर व्याप्त कठिनाइयों को भी देखना है। पिछले कई दशकों के अंदर महिलाओं की स्थिति में बदलाव जरूर आया है। पहले तो अबला नारी कहलाती थी, अब अबला नहीं, अब सबला नारी है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो मन को विचलित करने वाली होती हैं। ऐसे सामाजिक तत्वों से पार पाते हुए, परिवार को संबल देते हुए जो सामाजिक जीवन में महिलाएं काम करती हैं, या जो किसी व्यवसायिक क्षेत्र में काम करती हैं, वो स्वाभाविक रूप से बहुत डिसिप्लिन जीवन जीती होंगी। अनुशासन एक बहुत बड़ा मंत्र है, क्योंकि अगर आपने अनुशासित जीवन को जिया तभी आप इतने आयामों के अंदर बैलेंस बनाने में कामयाब हो पाएंगे। आप घर को भी देखेंगे, समाज को भी देखेंगे, आप बच्चों को भी देखेंगे, आप बुजुर्गों को भी देखेंगे, आप कंपनी की गाइडलाइन को भी समझेंगे, आप अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए काम भी करेंगे। तो ये तभी हो सकता है जब आप बहुत व्यवस्थित होकर के काम करते हो। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी बहनें आई हैं इन्होंने इस आयाम को छूने में एक जीवन के अंदर डिसिप्लिन को कायम किया है। आपका कमिटमेंट है समाज के लिए, आपका कमिटमेंट है अपनी कंपनी के लिए, आपके मन के अंदर आत्मविश्वास है, एक करेज है, जिसके कारण आज आप काम कर पा रही हैं। और यदि हम महिलाओं को देखें
तो जिन्हें चार दीवारी के अंदर माना जाता था, आज हमारी बेटियां सीमाओं की रक्षा कर रही है। आज हमारी बेटियां फाइटर प्लेन्स उड़ाने लग रही हैं, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में महिलाओं ने परचम न फहराया हो। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें लोग कहते थे कि ये पुरुषों का एकाधिकार है, लेकिन उस एकाधिकार को भी अपने आत्मविश्वास से, अपने मेहनत से महिलाओं ने तोड़ा है। और जो 26 जनवरी की परेड के अंदर 20-20 मोटरसाइकिल के ऊपर जब महिलाएं निकलती हैं परेड करते हुए, तब देख करके दिल को प्रसन्नता होती है कि ये क्षेत्र भी अब पुरुषों के पास नहीं रहा, ये भी अब हमारे पास में आ गया है। अब बदल रही है तस्वीर, और इस बदलती तस्वीर में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी, लेकिन कठिनाइयों से पार पाना आना चाहिए। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जीवन की समस्याओं के लिए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो साइलेंस और एक स्माइल। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो स्माइल के साथ में उसका समाधान करिए, और अगर समाधान नहीं हो पा रहा तो साइलेंस के साथ में उसको अवॉइड करिए, ताकि फिर कभी अगले बार में उसका समाधान हम कर पाएंगे। अगर हमने जीवन में इसको स्वीकार कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई कठिनाई आएगी। चुप्पी भी एक बहुत बड़ा हथियार जीवन के अंदर होता है, जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने में हमारा साथ और सहयोग करता है। आपने जो सीढ़ियां चढ़ी है, स्वाभाविक है कि इन सीढ़ियों को चढ़ने में आपको कठिनाई आई होगी, लेकिन आप जब भी किसी के बारे में भी पुस्तकों में पढ़ेंगी या चर्चाएं करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि ऊंचाइयां उन्होंने ही छुई हैं जो बार बार जीवन में असफल हुए हैं, जो बार बार जीवन में गिरे हैं, जो बार बार जीवन के अंदर ठोकर खा करके खड़े हुए हैं, वही जीवन में ऊंचाइयों को छू पाए हैं। इसलिए अपने मन की कमजोरी को बाहर करना पड़ेगा। अगर हम मन से स्ट्रांग हो गए तो कोई कठिनाई ऐसी नहीं है जो हमको परेशान करे। उसका मैं उदाहरण देती हूं, हम अगर रोड के ऊपर जा रहे हैं और हमारे पैरों में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है, पैर में रोड़े चुभ रहे हैं, तो हम थोड़ा संभल संभल के चल लेंगे, थोड़ा पैर को ऊपर नीचे करके चल लेंगे, क्योंकि वो बाहर से हमको काट रहे हैं। पैर में जूता हो और एक कंकड़ जूते के अंदर घुस जाए तो हम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, हमको बैठ करके उस कंकड़ को बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसलिए मन की कमजोरी को निकाल करके, मन से विल पावर के साथ में यदि स्ट्रांग होकर के काम करेंगे तो कोई कठिनाई जीवन में ऐसी नहीं है जिसे पार पाने में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। और आप लोग जिस तरीके से ऊंचाइयों को छू रही हैं, मैं तो अभी संजीव जी से कह रही थी कि ये देश भर से इतनी महिलाएं आपके बुलावे पर चल करके आई हैं और अपने अनुभव सुना रही है, कुछ तो बात होगी जो आपके साथ में इतना लगाव है, जुड़ाव है, आपने कुछ तो किया होगा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैंने उनसे पूछा भी कि ये इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली, उन्होंने कहा मैं तो फौज में था। जिनका एक फौजी आदमी जो डिसिप्लिन्ड जीवन जीता है, जो डेडिकेशन के साथ में जीता है, डिवोशन के साथ में जीता है, कमिटमेंट के साथ जीता है, करेज के साथ में जीता है, वो फौज को छोड़ करके जब बाहर आया तो उसने समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया आयुर्वेद के माध्यम से, कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के साथ में जुड़ करके जो हमारा विज्ञान था, हम उस विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए लाखों लोगों का इलाज उसके माध्यम से कर सके, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करके, ये उनकी सोच
राष्ट्र के प्रति समर्पित सोच है। मैं आपको भी तहे दिल से आभार करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और अपनी सब बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज आप सक्षम हो गई हैं, आप अपने अपने इलाके का नेतृत्व करने वाली हो गई हैं। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में अभी महिलाओं की संख्या कम है और आने की आवश्यकता है, लेकिन आप अपने अपने इलाके की लीडर्स हैं। भले ही वो आप व्यापार के क्षेत्र की लीडर हो, चाहे वो कंपनी के अंदर में हो, तो लीडर का काम होता है कि और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाना, उनको भी समझाना, उनका मार्गदर्शन करना और उनको साथ लेकर के आगे बढ़ना। तो जहां आज आप पहुंची हैं वहां और बहनें भी पहुंच सके, ऐसा मोटिवेशनल काम करने की आज आपको आवश्यकता है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को इस महिला दिवस की ही नहीं बल्कि आप सबके इस अचीवमेंट के लिए और भविष्य में आप और ऊंचाइयों को छुए इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हमारी जो बहनें यहां पर आज मुस्कुरा रही हैं, खिलखिला रही हैं और जोश के साथ में जिस तरीके से अपने मन के उत्साह को बाहर निकाल रही हैं, अगले वर्ष जब हम मिले तो और दुगनी संख्या में यहां पर महिलाएं हो और इस डायमंड के ये डायमंड का बैच लेकर के जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मुझे भी वहां तक पहुंचना है, वो निश्चित रूप से डायमंड के वहां पर पहुंचेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आभार।